हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विद्यालय। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कौन क्या क्या टॉपिक कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कर चुके होंगे, और भी क्या ले लियो तक आज कंप्लीट हो जाएगा शायद। और हाँ, आपको एक न्यूज़ देनी है कि नीट की डेट आ चुकी है 17 जुलाई को, नीट का पेपर है। सो कीप काम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, सभी को पता होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को डिवाइड कर देते तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर यहीं हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न बैक टू ए विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज। क्या निकाली हमें? एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करेंगे। पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है कि ए ट्रेन जो है वो ए से चली है, फिर बी तक गई है, ठीक है, फिर रिटर्न बैक टू ए, मतलब रिटर्न बैक आ गई है ए पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जितना भी वो इनिशियल से फाइनल तक जितना भी पाथ ट्रेवल करती है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है? जीरो है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई तो क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी। सो एक पार्ट तो हमारा हो गया कि एवरेज वेलोसिटी सभी में जीरो दे रही है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे? एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे। अब ना तो हमें डिस्टेंस दे रखी है और ना ही हमें टाइम दे रखा है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, अगर बॉडी रिटर्न बैक आ जाती है, मतलब कि डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट होती है, देखो ए से बी तक गई तो भी वही डिस्टेंस थी, मान लिया डी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है। अब बी से ए वापस आएगी तो भी यही डिस्टेंस करेगी, डी ट्रैवल ही करेगी। तो डिस्टेंस क्या है? कॉमन, मतलब सेम है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दैट्स इट। अब अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको तो क्या आएगा? 2 × 40 × 60, 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो इसका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48। तो दैट्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और वैसे अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज में क्या होता है कि हमें लेट करना पड़ता है कि इसकी डिस्टेंस एक्स है और वापस आते भी एक्स है, तो टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो फिर हम टोटल डिस्टेंस लिख देंगे एक्स प्लस एक्स, दैट इज़ 2x डिवाइडेड बाई t1 + t2, टोटल टाइम t1 + t2 हो जाएगा। फिर t1 क्या है हमारा? x1 डिवाइडेड बाई v1, और t2 है हमारा x डिवाइडेड बाई v2। तो x को हम कॉमन ले लेंगे तो x को बाहर निकाल के x से x कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v2 + v1 डिवाइडेड बाई v1 × v2। और ये v1 v2 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? v1 v2 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 + v2। तो ये वैसे भी हमारा फॉर्मूला निकला है, चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं हम। अब ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्या है? नीट 2019 का PYQ है। ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई पर्सन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1 से एंड ए सर्टेन डिस्टेंस, और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है? x विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला अपना वैलिड है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दिया है, इसलिए द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू 2v1 v1 डिवाइडेड बाई v1 + v2। तो v1 + v2 इज इक्वल टू, ये जो v है ये इस साइड लेके आ जाएंगे। देखो मैं इस फिर से कर देती हूँ, v इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 + v2, ठीक है। अगर हम इस 2 को
इस वी के नीचे ले आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वी बाई टू इज इक्वल टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। अब हमारा आंसर मैच कर देखते हैं। ऐसे कोई टर्म्स दे रखे हैं? नहीं दे रखी है, क्योंकि सभी में क्या है, वी नीचे ही है, और ये अगर मिला के देखते तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू बाई वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन वी टू। ये तो हो सकता है। अब हमें इसका कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार वी वन के नीचे वी वन वी टू लिखेंगे, वी वन डिवाइडेड बाई वी वन वी टू और प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन वी टू। तो वी टू से वी टू क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वी वन से वी वन क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी वन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विद वी टू इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कम्प्लीट जर्नी वी टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दे रखी है तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला वैलिड है। वी एवरेज आ जाएगी टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। अब बताएं, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ वी एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड टू वी एंड द रेस्ट ऑफ जर्नी विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ फोर वी फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अब इसने कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर दिया। क्या बोल दिया, हाफ ऑफ जर्नी जो है वो तो उसने करी है वी स्पीड से ट्रेवल, फिर जो हाफ बच गए उसकी भी हाफ इसने करी है टू वी स्पीड से, और बाकी बच गए वो करी है फोर वी स्पीड से। तो अब हमारा वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। बट इसका भी तो हम अपना कॉन्सेप्ट काम लगा लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टी वन मान लिया हमने वी वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 4x मान लेंगे हम। तो ये जाएगी 2x और ये हो जाएगी 2x का हाफ x और ये हो जाएगी x। तो t1 क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई v, t2 आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2v एंड x t3 आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 4v। तो इसको पुट कर देते हैं, 2x डिवाइडेड बाई v प्लस x डिवाइडेड बाई 2v प्लस x डिवाइडेड बाई 4v। तो x सब में से कॉमन ले लेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 बाई 2v प्लस 1 बाई 4v। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4v कॉमन आ जाएगा तो 4v चला जाएगा ऊपर, और इनका एलसीएम लेके 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 7। एक सेकेंड, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, तो हो जाएगा 11। 4 इंटू 4 भी हो जाएगा 16v, 16v डिवाइडेड बाई 11, हमारे भी एवरेज स्पीड आ जाएगी 16v डिवाइडेड बाई 11, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। अब आता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। न्यूमेरिकल रेशियो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से, हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से 1 कम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0 भी हो सकती है और डिस्टेंस से ऑलवेज कम ही होती है, या फिर डिस्टेंस के स्ट्रेट लाइन पाथ में चला हो तो डिस्टेंस के इक्वल होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट तो हम पूरा पाथ देखते हैं कि पूरा पाथ उसने कितना ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट हम यही देखते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक उसने कितना ट्रैवल किया है। तो वो होती है एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं हम, तो इनिशियल से फाइनल तक, तो ये तो सबको पता ही होगा। अब आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, टोटल वी एवरेज तो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो उसको हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस पूछा तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करना हमने बेसिक मैथ वाले चैप्टर में अच्छे से सीख लिया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो उसका स्लोप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, स्लोप निकालते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। अब कुछ
डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि याद आ जाए। x इज इक्वल टू टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस फाइव, तो टू टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब 40 प्लस 1 है, अब इसकी क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी तो मिलता है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो 4 × 2 = 8, 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड एज एक्स पी है वो है ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर एंड एक्स क्यू जो है वो एफ टी माइनस टी स्क्वेयर है। एट वट टाइम टू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब कि दोनों की सेम वेलोसिटी कब होगी, जब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके हम सेम पुट कर देंगे। तो एक्स पी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी पी की वेलोसिटी आ जाएगी, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी क्यू की वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। अब ए टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, टू बी टी। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ, और माइनस टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टी हो जाएगा। ये ए है, 9 दिख रहा होगा शायद, अब इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो हमें क्या पूछा है, टाइम तो पूछा है ना, हाँ टाइम पूछा है। तो वी पी इज इक्वल टू वी क्यू, ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू बी टी, हमने इक्वल पुट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हम टी टी वाले दोनों को एक साथ ले आएंगे, तो ये माइनस में है, इधर इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस में ए, एंड हमने टी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा टू टी इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू एफ माइनस ए, और फिर t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बी प्लस वन। बस यही करना था, बस फॉर्मूला पुट करो आंसर पाओ। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन ओ एक्स की तरफ मूव कर रहा है एट टाइम t इन सेकंड, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल ओ इज गिवन बाई, डिस्टेंस दे रखी है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कि रेस्ट फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी को जीरो पुट कर देंगे। तो 40 का डिफरेंशिएशन जीरो, 12t का डिफरेंशिएशन 12, माइनस 3t का माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3t स्क्वेयर हो जाएगा, तो उसको जीरो के पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू 2 को हम पुट कर देते हैं इसे x की टर्म्स में क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछी है, तो 40 + 12 × 2 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 56। 40 + 12 × 2 = 24, 40 + 24 कितना हो जाएगा, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 मीटर, दैट्स इट। अब पूछा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी, जब स्लोप 90 से ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर कैसा स्लोप बना रहा है, एक्यूट बना रहा है मतलब 90 से कम है, और डी पे क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है, ई पे जो है वो बना रहा है 90 से ज़्यादा, एफ पे क्या बना रहा है, एफ पे देखेंगे तो क्या बना रहा है, 90 से कम बना रहा है। तो यहाँ पे जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब थीटा जो होता है वो 90 से ज़्यादा होता है, और थीटा 90 से ज़्यादा कहाँ पर है, ई पर है, तो ये बोल देंगे कि ई पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी की तरह ही। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे वेलोसिटी का, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन आ जाएगा। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन हमें स्लोप की टर्म से बताना होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। अब आता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलेशन होता है, बट ये कभी कॉन्सेप्ट सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। हमें ये याद रखना है, एक्सेलेशन कब होता है, जब वेलोसिटी इधर मूव कर रही हो और एक्सेलेशन इधर मूव कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलेशन नेगेटिव है। बट अगर वेलोसिटी
इधर मूव कर रही है और एक्सेलेरेशन इधर मूव कर रहा है, तो क्या कहेंगे? एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव है बट फिर भी डिक्रीज हो रही है स्पीड, तो रिटार्डेशन, वर्ड को तोड़ो, रिटार्ड मतलब कम करना, किसको कम करना, वेलोसिटी को कम करना। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में 180 डिग्री या फिर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब तो हम बोलते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है। और हमारे जनरल अगर बातें करते हैं जनरल क्वेश्चन या पीवाईक्यू में देखते हैं तो रिटार्डेशन को ही माइनस नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन बोला हुआ है। सो ये याद रख लेना। ए पार्टिकल इज मूविंग दैट इट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज दिस इट्स वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलेरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलेरेशन जीरो कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी तो हम एक्सेलेरेशन को जीरो पुट करेंगे, वहां से टाइम लेके आएंगे, फिर टाइम को वेलोसिटी के टर्म्स में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, टी का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3t² माइनस 6t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 12t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। तो इनको कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 3t² माइनस 12t प्लस 3। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन हमें क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t² का डिफरेंशिएशन होता है 6t एंड माइनस 12t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 12। और इसको हम जीरो के साथ पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब टी की वैल्यू को हम वेलोसिटी में पुट कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा, तो 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 इंटू 2 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12 ये हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 9। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज 8 प्लस 12 टी माइनस 3 माइनस टी क्यूब वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। हमें अब क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा पहले, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी हमें किसके इक्वल पुट करनी है, जीरो के इक्वल पुट करनी है। तो 8 प्लस 12t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3t², तो इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 12 माइनस 3t², तो 3t² की वैल्यू आ जाएगी 12 और t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और t की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको हम पुट कर देते हैं एक्सेलेरेशन में, एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब 12 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और माइनस 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 60, माइनस 60 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 12 आ जाएगा। तो रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन मतलब हमें पहले से ही नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन t² माइनस 4t प्लस 6i प्लस t² j। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर एट 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हमें क्या दे रखा है, i और j में क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले i का सोल्व कर लेंगे फिर j का सोल्व कर लेंगे। तो i वाला सोल्व कर लेते हैं, x डायरेक्शन में जो है t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2t, और 4t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, और 6 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगी 2t माइनस 4, और एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2। और ऐसे ही j में निकालते हैं, j में आ जाएगा y = t² दे रखा है ना, हाँ y = t² दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, हमारे पास 2t, और एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारे पास 2। तो एक्सेलेरेशन वेक्टर तो हमारे पास आ गया 2i प्लस 2j आ जाएगा एक्सेलेरेशन वेक्टर तो हमारे पास। अब और क्या पूछा है, वेलोसिटी भी पूछी है, तो वेलोसिटी होती है vxi प्लस vj, तो vxi क्या है 2t माइनस 4i प्लस 2t ऑफ j। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड में पूछा है, तो t की वैल्यू हम 3 सेकंड पुट कर देते हैं, 3 × 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 2 × 3 इज इक्वल टू 6j, तो आ जाएगा 2i प्लस 6j। और स्पीड पूछे है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ
वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो हम क्या करते हैं वो वेक्टर लिख देते हैं, और नीचे उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई कैप वाले का स्क्वायर और जे कैप वाले का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। मोड निकालते हैं इसका हम, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36, और 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 40, 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास स्पीड की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन, वाई इज इक्वल टू 5t² - 2t² एंड वाई इज इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड, एक्सेलेशन ऑफ पार्टिकल एस टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। हमें टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसका एक्सेलेशन निकालना है, तो एक्स वाले का अलग से निकाल लेते हैं। 5t - 2t² का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा 5 - 4t, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेशन आ जाएगा हमारे पास -4, मतलब -4 आई कैप आ जाएगा। और y इज इक्वल टू 10t के ऊपर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 10, और इसका 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि 10 कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन सिर्फ i कैप में होगा और वो होगा -4 ऑफ, मतलब x डायरेक्शन में ही हमारा एक्सेलरेशन होगा, वो होगा -4 m/s². बता है अनदर एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अलग अलग, मतलब कि अगर टी के साथ हमें डिफरेंशिएशन ना करने को मिले, हमें एक्स की टर्म्स में दे दिया हो डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर वी टी के फॉर्म टर्म्स में हो तो हम एक्सेलेशन को ऐसे निकालते हैं कि dv/dt डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर एक्स के टर्म्स में हो तो हम एक्सेलेशन को कैसे निकालते हैं, तो dv/dt को हम dx/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम ये से इनको पलट देते हैं। अब dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और dv/dx को एज इट इज रख देंगे। dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो हो जाएगा v(dv/dx). बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लगाना है, जब वेलोसिटी x की टर्म्स में दे रखी हो, जैसे कि x² + 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, जैसे 2x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका 2x(v). और जैसे v = 2x + 4 दे रखा है, अगर ऐसे कोई वेलोसिटी को x के टर्म्स में दिया हो तो हम एक्सेलेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर वेलोसिटी को t के टर्म्स में दे रखा हो तो हमारा जनरल जो फॉर्मूला था a = dv/dt वो लगाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा, फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द x एक्सिस द वेलोसिटी v डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट v = 3x² - 2x, देन व्हाट इज द एक्सेलेशन एज x = 2 m। अब वेलोसिटी दे रखी है 3x² - 2x, तो हमें क्या पूछा है, एक्सेलेशन पूछा है, तो एक्सेलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं v · dv/dx, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 3x² का डिफरेंशिएशन होगा 6x, और -2x का डिफरेंशिएशन होगा -2, 6x - 2, तो ये हो जाएगा 6x - 2 * वेलोसिटी है 3x² - 2 को हम एज इट इज पुट कर देंगे। फिर x = 2 m पुट पूछा तो एक्स की वैल्यू हम 2 m पुट कर देंगे, तो यह जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 -2 × 2 = 4 × 6 × 2 = 12 12 - 2 हो जाएगा 10 10, तो 8 × 10 हो जाएगा 80, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 m/s². ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट वेलोसिटी वेरीज टू vx = β(x - 2n), जहर बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट एंड x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ s x, तो हमें क्या करना है, एक्सेलेशन निकालना है, तो एक्सेलेशन निकालना है तो v · dv/dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो x की टर्म्स में दी हुई है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो β(x - 2n) का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा 2n β(x - 2n - 1), ये हमारा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ जाएगा।
ये दे रखा बीटा माइनस टू एन एक्स माइनस टू माइनस वन, और इसको एज इट इज पुट कर देंगे क्योंकि वी को तो एज इट इज पुट करना है। तो इसको अगर हम आगे लेके आएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस टू एन, बीटा एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो बीटा का स्क्वेयर हो जाएगा एक्स माइनस टू एन माइनस वन एंड माइनस टू एन एक यहाँ से है तो हम इनको सम करेंगे तो माइनस फोर एन माइनस वन आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस टू एन बीटा स्क्वेयर एक्स माइनस फोर वन माइनस वन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही है। बता रिवर्स प्रोसेस, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हमने अब तक क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट ठीक है, v इज इक्वल टू डी एस वाई डी टी होता है, दैट इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अब क्या है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है t की टर्म्स में और हमें क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे वेलोसिटी को टाइम के साथ है। तो आ जाएगा हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, याद रखना ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा ना कि एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो तो वेलोसिटी पूछा हो तो हम क्या कर देंगे एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, और हमारे पास क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी आएगा ना कि एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं आएगा, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगी। अब एग्जाम्पल है, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन डिस्टेंस डिवाइड बाई इट बिटवीन वन सेकेंड एंड टू सेकेंड। तो लिमिट है हमारे पास वन सेकंड से लेकर टू सेकंड तक। अब हमें क्या करना है डिस्टेंस निकालने हैं, तो डिस्टेंस निकालने तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और बी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। मैं सोच रही हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, मैंने बेसिक मैथ में पढ़ा दिया है, सो अगर नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस बी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर हम हमने क्या पुट करी लिमिट पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू पहले हम क्या पुट करेंगे टी की जगह टू पुट करेंगे फिर हम वन पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस बी टू का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस ए वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस बी वन का स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। तो आ जाएगा हमारे पास 4a डिवाइडेड बाय 2, तो 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 8b डिवाइडेड बाय 3 माइनस a बाय 2 प्लस b बाय 3। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 8 3 बाय b, क्योंकि देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 8b बाय 3 माइनस ए बाय 2 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 2a में से माइनस ए बाय 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाय 2a। एलसीएम लेकर देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a 4a माइनस a 3a 3a बाय 2 आ जाएगा हमारा आंसर 3a बाय 2। और 8 बाय 8 बी बाय 3 में से बी बाय 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बी बाय 3, तो ये आ जाएगा 7 बी बाय 3। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है इससे, हाँ ये रहा बी ऑप्शन 3 टू ए प्लस 7 बाय 3 बी, यही आंसर रिजल्ट। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू टी प्लस 1 फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। क्या निकालना है 0 से 4 सेकेंड तक इसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड बोला है। तो अगर लिमिट दूसरी इनिशियल लिमिट ना दी होती तो हम क्या मान लेते हैं जीरो मान लेते हैं इनिशियल लिमिट को। तो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, और वन का इंटीग्रेशन होता है टी जिसके साथ इंटीग्रेशन कर लेते हैं वहीं उसका इंटीग्रेशन हो जाता है कॉन्स्टेंट का। तो टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो टी स्क्वेयर की जगह हम टी की जगह हम क्या लिखते हैं फोर पुट कर देंगे, तो फोर का स्क्वेयर हो जाएगा 16 बाई टू एट प्लस फोर दैट इज इक्वल टू 12 मीटर, आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट बस यही सॉल्यूशन कर रखा है। अगर s पूछा हो तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, और वेलोसिटी पूछा हो तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, यहीं अगर वेलोसिटी पूछी हो तो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं अगर एक्सेलरेशन पूछा हो तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर
वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो हम क्या करते हैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछी है, तो हम एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी पूछी है तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलेरेशन पूछा है, तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। If the acceleration of particle is given as a is equal to 3t square, find velocity of particle at 3 is equal to t is equal to 3 second if initially particle was rest. Particle was rest मतलब t is equal to 0 पर उसकी velocity क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब पूछा है velocity पूछी है तो हम क्या कर देंगे, acceleration को integrate कर देंगे। तो 3t square का integration क्या हो जाएगा, 3t cube divided by 3, 3 से 3 cancel हो जाएगा, तो हमारे पास result क्या आया, t cube। अब t की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 मीटर पर सेकंड। इफ पार्टिकल इनिशियली इज एट रेस्ट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इट एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम विद एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 40 इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि t इज इक्वल टू 0 से चल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 3 सेकंड। अब फिर से डिस्टेंस निकाली हमें, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब इसका पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर को फिर से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इसको 2t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब t की जगह 3 पुट करना है तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 जा 27, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगी 18 मीटर। ऑप्शन में है कहीं, हाँ ये रहा अभी ऑप्शन है 18 मीटर, दैट्स इट। इफ ए इज इक्वल टू बी टी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजन विद इनिशियल वेलोसिटी वी नोट, अब वी नोट मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी वाला, चेंज इन वेलोसिटी आता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि चेंज इन वेलोसिटी आता है अगर हम एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब पूछा है फाइंड डिस्टेंस इन टाइम टी, डिस्टेंस बतानी है तो क्या आएगी, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी फाइनल आ जाएगी, वी नोट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस वी इंटू टी, तो ये रहा बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस वी नोट टी, सिंपल। अब आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट अगर अपस्ट्रीम कब होती है, जब नदी के बहाव के उल्टे में अगर कोई इंसान चल रहा हो, मतलब कि अगर नदी का बहाव राइट हैंड साइड है और जो मानुष है जो तैर रहा है, आदमी या फिर औरत या फिर कोई भी मनुष्य जो नदी में तैर रहा हो, वो उल्टी दिशा में मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो क्या रिजल्टेंट स्पीड क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी दोनों को हम माइनस कर देते हैं, अगर वेलोसिटी रिवर की ज़्यादा होगी तो यू माइनस वी कर देंगे, अगर वेलोसिटी जो तैर रहा है मनुष्य उसकी ज़्यादा होगी तो हम उसमें से वेलोसिटी ऑफ रिवर को माइनस कर देते हैं। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों एक ही साइड चल रहे होते हैं, तो दोनों एक ही साइड चल रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और इनकी रिजल्टेंट स्पीड को हम सम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सेलेटर वॉज नॉट वर्किंग, सी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम टी, जब एक्सेलेशन स्टेशनरी होता है तो वो टाइम टी में पहुंच जाती है ऊपर, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेटर, अगर सिर्फ एक्सेलेटर चल रहा है तो वो टाइम टी टू में पहुंच जाती है, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेटर, अगर वो भी चले और एक्सेलेटर भी चले तो उसको टाइम कैसा लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों तीनों में सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगी, बट टाइम क्या है, चेंज हो रहा है, पहले में टी वन लग रहा है जब एक्सेलेशन एक्सेलेटर स्टेशनरी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वी इंटू टी वन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यू इंटू टी टू हो जाएगा, और जब दोनों साथ में चल रहे हो तो एक्स इज इक्वल टू वी टी वन और एक्स इज इक्वल टू यू टी टू, और दोनों साथ चल रहे हैं तो जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट स्पीड क्या आ जाएगी, वी प्लस यू आ जाएगी हमारे पास, तो वी क्या है, एक्स बाई टी वन है, और यू क्या है, एक्स बाई टी टू है, और इंटू टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड रिजल्टेंट स्पीड और टाइम,
जो वह लगा रही है जब दोनों चल रहे हैं, जब एक्सेलेटर भी चल रहा है और जो प्रीति भी चल रही है, तो टाइम टी से साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें टाइम टी की वैल्यू निकालनी है, तो इनमें से एक्स को अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 1/T1 + 1/T2 × t। तो टी की वैल्यू निकालनी है तो ये हम पूरा सामान उस साइड लेके जाएंगे, तो उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा T1 T2। यह आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड। दैट इज, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।